जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर 2 में हम लोग आ चुके हैं सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप के वीडियो लेक्चर सेशन में। हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VBU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि लेक्चर 1 में मैंने आपको सब ग्रुप का डेफिनेशन दिया था, सब ग्रुप क्या होता उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सब ग्रुप से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम को करूंगा। एक प्रॉब्लम है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1, इसको करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, कि सब ग्रुप क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स आई, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इज एन एडिटिव ग्रुप। यानी कि एडिटिव ग्रुप का मतलब हो गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में आई मेरा जो इंटीजर है वो क्या है कि ग्रुप है, है ना। सेट ऑफ इंटीजर आई जो है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ये दिया हुआ है। दिस सेट ऑफ ई इवन इंटीजर, जो सेट ऑफ ई जो है वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जे सबसेट ऑफ आई। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी इवन इंटीजर है वो इंटीजर का सबसेट है, है ना। जैसे कि देखिए 2 है, जैसे यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 डॉट, माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर डॉट 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 डॉट, ये है सबसेट किसका, तो इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर में सारा इवन ऑड नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है। इसीलिए ये जो इवन इंटीजर्स है वो इवन इंटीजर इस आई इंटीजर का सबसेट है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वही बात है कि ई जो कैपिटल ई है वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इज ए सबसेट ऑफ आई, और ये सबसेट है आई का, एंड इज ए ग्रुप। और साथ ही साथ ये जो मेरा आई है, ये जो मेरा आई है ये तो ग्रुप है, ठीक है ना। अंडर एडिशन ऑपरेशन, अंडर एडिशन ऑपरेशन कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इंटीजर आई इज एन एडिटिव ग्रुप। आई जो है कि एक इंटीजर है, और वो एक आई जो है कि इंटीजर का सेट है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई जो है कि एडिटिव ग्रुप है, पहली बात। दूसरी बात बोला है द सेट ऑफ इवन इंटीजर ई इज अ सबसेट ऑफ आई। दूसरा बात बोला है कि इवन इंटीजर जो है कि आई का सबसेट है, एंड इज ए ग्रुप, और साथ ही साथ अंडर एडिशन ऑपरेशन, और ई जो ये जो इवन इंटीजर का जो सेट है ये भी एक ग्रुप है। ये बोला है कि ई जो है एंड इज ए ग्रुप, है ना, अंडर एडिशन ऑपरेशन। मतलब मेरा ई जो है इवन इंटीजर का जो सेट है वो सबसेट है आई का, और साथ ही साथ वो ग्रुप भी है अंडर एडिशन ऑपरेशन के तहत। मतलब जिस ऑपरेशन के तहत मेरा इंटीजर का सेट ग्रुप है, उसी ऑपरेशन के तहत मेरा ई, मेरा इवन इंटीजर जो है वो भी उसी सेम ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन के तहत ई भी जो है कि मेरा ग्रुप है, ये बात बोला है। और साथ ही साथ ई जो है कि मेरा सबसेट है आई इंटीजर का। तो जब कहीं भी ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको साफ साफ झलक रहा होगा कि ई सबसेट भी है आई का, और ई ग्रुप भी है, है ना। और वो ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में है, तो जिस रिस्पेक्ट में मेरा आई इंटीजर ग्रुप है उसी रिस्पेक्ट में ई भी मेरा ग्रुप है, है ना, उसी रिस्पेक्ट में। जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा आई इंटीजर ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा ई इवन इंटीजर भी ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के तहत। यानी कि ये सारे क्राइटेरिया को सब ग्रुप के मान रहा है। सब ग्रुप होने के लिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ई मेरा जो है कि ई इवन नंबर का सेट जो है कि वो आई सेट का या आई ग्रुप का सब ग्रुप बनना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो ई को आई का सबसेट होना पड़ेगा, और जो कि होता भी है, इवन नंबर का सेट जो होता है वो इंटीजर सेट का सबसेट होता है। और दूसरी बात बोला है कि ई जो है इवन नंबर का जो सेट है वो मेरा ग्रुप भी है
अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये भी बोल रखा है। इसका मतलब ई तब जरूर सब ग्रुप है किसका, तो आई इंटीजर का। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, हालांकि ये स्टेटमेंट के थ्रू दिया हुआ हम लोगों को, लेकिन हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए सॉल्यूशन में द सेट ऑफ इंटीजर आई इज़ ए ग्रुप, ये दिया हुआ फॉर एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन के तहत सेट ऑफ आई मेरा ग्रुप है। इफ़ ई इज़ ए सब ग्रुप, और ई मेरा अगर सब ग्रुप बनना चाहता है, अगर ई मेरा सब ग्रुप, चूँकि ई तो मेरा सबसेट है आई का, ये देखने से ही पता चल रहा है। और अगर यदि ई इज़ ए सब ग्रुप, अगर ई मेरा सब ग्रुप है ना, यदि मेरा ई सब ग्रुप है किसका, तो ई का, सॉरी ई मेरा इवन इंटीजर जो है, अगर वो सब ग्रुप है आई का, अगर ये जो ई इवन इंटीजर है ये अगर सब ग्रुप है आई इंटीजर का, तब ये जो ई है इवन इंटीजर का सेट, ई मस्ट सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ ग्रुप। तो तब ई जो है इवन इंटीजर का सेट, वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, है ना, ग्रुप फॉर द ऑपरेशन एडिशन। तो जो भी ग्रुप के कंडीशंस हैं वो सारे ग्रुप के कंडीशंस को तब मेरा ई जो सब ग्रुप है, जो सब ग्रुप बनना चाहता है, ई इवन इंटीजर का जो सेट है, वो तब ग्रुप के सारे कंडीशंस को मानना पड़ेगा उसको, अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के तहत उसको मानना पड़ेगा। मतलब जिस ऑपरेशन के तहत मेरा आई ग्रुप है, उसी ऑपरेशन के तहत मेरा ई को भी जो है कि ग्रुप बनना पड़ेगा, और ग्रुप के सारे कंडीशंस को ई को मानना पड़ेगा, तभी जा करके ई मेरा इवन नंबर का इंटीजर जो है, इंटीजर इवन नंबर का इंटीजर का जो सेट है, तभी ई इवन नंबर का इंटीजर का सेट जो है कि सब ग्रुप बन पाएगा आई का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको बारी बारी से दिखाते हैं कि वो भी सेटिस्फाइड करता है सभी ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए बाबू, एक नंबर यानी कि हम लोग को दिखाना है कि इवन नंबर का सेट जो है कि वो ग्रुप है, ये दिखाना है। देखिए पहला क्लोजर को दिखा लेते हैं, क्लोजर लॉ को। ए और बी दो इवन इंटीजर है ना, दो इवन इंटीजर का सेट में बिलोंग कर रहा है ए और बी। मान लीजिए ए के जगह पर 2 है और बी के जगह पर 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 6 ही होगा। तो यानी कि दो इवन इंटीजर को जोड़ेंगे तो इवन ही होता है। तो दिस इंप्लाइज डेट ए प्लस बी भी जोड़ेंगे तो बिलोंग करेगा ई में। देख यहाँ पर लिख देंगे द एडिशन ऑफ टू इवन नंबर्स मस्ट बी इवन नंबर, यानी कि ये क्लोजर हो गया। आगे देखिए एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई, अगर 3 नंबर ले ले ऐसा जो कि इवन नंबर हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो अगर आप करके देखोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 और 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 6, तो ये आपका LHS और RHS बराबर ही आएगा। ठीक है, इसी वजह से एसोसिएटिव हो गया। आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अगर मान लीजिए इफ ए बिलोंग कर रहा है ई में, मान लीजिए ए के जगह पर मैं 2 ले लिया, तो 2 कोई इवन नंबर है, बिलोंग कर रहा है इवन नंबर के सेट ई में, तो ए में क्या जोड़ेंगे, दाएं से ए में क्या जोड़ेंगे, दाएं से है ना, दाएं से ए में क्या जोड़ेंगे, दाएं से, और ए में क्या जोड़ेंगे, बाएं से, जिससे कि ए में कोई परिवर्तन ना आए। यानी कि 2 में हम क्या जोड़ेंगे, दाएं से, और 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे, बाएं से, कि मेरा 2 में कोई परिवर्तन ना आए। तो 2 में सिंपली हम लोग तब 0 जोड़ देंगे, 0। तो देन इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है व्हेन, और ए मेरा इवन है, मैं पहले बोल दिया हूँ, और इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन, जब ई के जगह पर, इस ई के जगह पर मेरा 0 हो जाए, और 0 मेरा इवन इंटीजर में ही काउंट होता है, ठीक है ना, 0 मेरा इवन इंटीजर में ही काउंट होता है, और 0 बिलोंग कर रहा है इवन इंटीजर में, तो 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 0 तो ऑल्सो है एक नंबर इवन, है ना, 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये हो गया, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए, तो मान लेते हैं क्या कि लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, मैंने बी को ए का इनवर्स मान लिया, तो a प्लस बी करेंगे चाहे b प्लस ए करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब यानी कि b इज़ द इनवर्स ऑफ a, b इज़ द इनवर्स ऑफ a, तो मैं a को b के साथ दाएं से ऑपरेट करूँगा और a को b के साथ बाएं से ऑपरेट करूँगा, तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि b इज़ द इनवर्स ऑफ a, b इज़ द इनवर्स ऑफ a, तो जब कहीं भी किसी इनवर्स को उसके एलिमेंट के साथ
ऑपरेट करेंगे। जैसे ए के इन्वर्स को जब मैं ए का इन्वर्स मेरा बी है, तो ए का जो भी इन्वर्स है उसके साथ जब भी उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी देता है। तो इसका मतलब ये कि ये तो बात है, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए है तो फिर ए को जब बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और आइडेंटिटी इलामेंट क्या है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने जीरो लाया है, जीरो यहाँ पर लिया है आइडेंटिटी इलामेंट। तो ई के जगह पर जीरो रख देंगे सिंपली, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी बराबर जीरो ले लेंगे तो दिस इम्प्लाइज डेट बी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो यानी कि बी का वैल्यू मेरा क्या होगा, माइनस ए। बी का वैल्यू जब माइनस ए हो जाएगा तभी जा करके ये ए और माइनस ए मिलकर के जीरो बनेगा। यानी कि बी अगर ए का इनवर्स है तो बी के जगह पर क्या होना चाहिए, तो माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए। और माइनस ए और ए मेरा क्या है, तो ज़रा देखिए ए मेरा इवन इंटीजर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए मेरा इवन इंटीजर है। कहाँ जरा देखिए, तो ए और बी मेरा इवन इंटीजर है। चलिए ए को ही मान लीजिए ना, ए मेरा इवन इंटीजर है। तो ए मेरा इवन इंटीजर है तो इवन में नेगेटिव लग गया तो भी तो वो इवन ही रहेगा ना, इवन। तो देखिए बात को समझिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या दिक्कत है, इवन है कि नहीं। माइनस टू तो इवन है, माइनस फोर तो इवन है, माइनस सिक्स तो इवन है। तो वही बात है, माइनस ए इवन ही होगा, तब भी जा करके इवन ही होगा। इसका मतलब ए का जो इन्वर्स है वो माइनस ए है। मतलब बी तो यहाँ पर माना हुआ हूँ मैं अभी, ए का जो इन्वर्स है वो बी है ना, लेकिन बी का चेहरा को कन्वर्ट कर दिया मैंने ए के चेहरे में, ठीक है। तो यानी कि ए का इन्वर्स माइनस ए हो गया। अगर इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे तो बी है, ए का इन्वर्स बी है। डायरेक्ट वे में बोलेंगे तो माइनस ए है, ए का इन्वर्स माइनस ए है, ऐसा कह सकते हैं। हेंस ई बी द सब ग्रुप। अच्छा, इसने इन्वर्स को सेटिस्फाइड किया, इसने आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड किया, इसने एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड किया, इसने क्लोजर को सेटिस्फाइड किया, इसने चार लॉज को सेटिस्फाइड किया। इसी वजह से ई जो कि इवन इंटीजर का सेट है वो क्या हो जाएगा, अब सब ग्रुप हो जाएगा किसका, तो जी का। तो हेंस ई बी द सब ग्रुप ऑफ जी बिकॉज ई सेटिस्फाइड ऑल फोर एक्सियम्स ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। क्योंकि ई इवन इंटीजर का सेट मेरा चारों के चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाइड कर गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा जो ई इवन इंटीजर का सेट है वो मेरा सबसेट भी आई का। तो सब ग्रुप बनने के लिए सबसेट भी होना पड़ता है आई का। कोई अगर सेट अगर किसी का सब ग्रुप बनना चाहता है, कोई अगर ग्रुप अगर किसी ग्रुप का सब ग्रुप बनना चाहता है, तो सबसे पहले उस ग्रुप का वो सबसेट होना चाहिए और उस ग्रुप का वो सब ग्रुप उस ग्रुप का वो सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप बनना चाहता है, तो सबसे पहले उस ग्रुप को उस दूसरे वाले ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उस ग्रुप को दूसरे वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनना चाहिए। देखिए थोड़ा सा माजरा कन चेंज हो रहा है, देखिए समझिएगा बात को समझिएगा। कोई अगर सेट है जैसे कि इवन नंबर का सेट है, कोई अगर इवन नंबर का सेट किसी दूसरे इंटीजर के सेट का सब ग्रुप बनना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो कि वो जो सेट जिसका वो सब ग्रुप बनना चाहता है तो वो सेट कम से कम ग्रुप होना चाहिए, उस सेट को कम से कम ग्रुप होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए उस सेट को। जैसे कि आई इंटीजर के सेट को ग्रुप होना ही चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वो जो इवन इंटीजर का सेट है वो उस आई इंटीजर के सेट का सबसेट होना चाहिए, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि ये जो इवन इंटीजर का सेट है इसको भी ग्रुप होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में मेरा आई जो बड़ा वाला ग्रुप है, जिसके रिस्पेक्ट में मेरा बड़ा वाला ग्रुप आई ग्रुप है, तो आई किसके रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो उसी ऑपरेशन के तहत, सेम ऑपरेशन के तहत मुझे ई को भी क्या दिखाना पड़ेगा, ग्रुप दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि ई भी जो है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप है, तब जा करके मैं कह सकता हूं किसी दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, उसी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मेरा आई है, आई मेरा ग्रुप है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आई मेरा ग्रुप है, तो उसी एडिशन के रिस्पेक्ट में मेरा इवन इंटीजर के सेट को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग कहेंगे इवन इंटीजर, दिस सेट ऑफ इवन इंटीजर इज अ सब ग्रुप ऑफ
आई इंटीजर, ठीक है। तो चलिए ये मैंने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर लिख देंगे क्लाइम प्रूफ्ड। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।